हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 14 सितंबर यानी 14 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना। और आज के जो आपका करंट अफेयर का सेशन है आपको सुबह की बजाय शाम को मिलेगा, ठीक है। शाम को अपलोड होगा ये चैनल के ऊपर। और बाकी अगर देखिए आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते तो आप वो भी डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली क्विज भी कराते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। देखिए जो आपकी NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये आपकी एक PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, ठीक है। तो आपसे सवाल यही पूछा कि जो आपकी NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसके अभी नए CMD कौन बनाए गए हैं। सो वेल, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, निलेप सिंह राय, ठीक है। ये आपके निलेप सिंह राय साहब, और इन्हें भी अभी अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके अलावा देखिए आपका ये जो NFL है, ये आपको देखिए एस्टेब्लिश किया गया था 1979 के अंदर होके, और इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, हेडक्वार्टर HQ मिलेगा नोएडा में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और बाकी देखिए सेशन को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आज आपको लाइक जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो एंड तक देखिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ओके, सो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, यानी इनमें से किस राज्य सरकार ने आपका मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को अभी लॉन्च किया है। सो देखिए ये जो आपका लॉन्च किया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये आपकी तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है, ये तो आप ध्यान रखेंगे ही। इसके अलावा देखिए इसी के साथ साथ तेलंगाना की सरकार वो पहली सरकार बनी है जिसने ड्रोन्स के द्वारा डिलीवरी का जो सिस्टम है इसको अभी टेस्ट किया है, शुरू किया, क्योंकि जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को भेज रहे हैं लोगों के घर तक, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट भी है जिसने ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी सिस्टम को चेकआउट किया है, या फिर कह सकते हैं लॉन्च किया है, ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं तेलंगाना के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है फ्यूचर में। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हैं तेलंगाना के, गवर्नर है यहाँ की तमिल से सौंदरराजन, आपको पता ही होगा, CM है K.चंद्रशेखर राव, ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कैपिटल हैदराबाद है यहाँ की, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ना एक चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग होती है, क्या नाम है, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, आपकी तेलंगाना के अंदर ही मिलती है, ठीक है। तो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग बेसिकली आपकी एक स्टोरी टेलिंग की पेंटिंग का एक फॉर्म है, तो ये एक फेमस आर्ट है बेसिकली स्टेट का। तो आप ध्यान रखेंगे कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करती है, तेलंगाना से ये बिलोंग करती है, फिर तेलंगाना से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ फेमस डांसेस हैं तेलंगाना के, जो कि आपके लंबाड़ी, गुसादी, डप्पू, पेरनी शिव तांडवम, काफ़ी बार ये शिव तांडवम भी देखने को मिलेगा, तो क्या नाम है, पेरनी शिव तांडवम, और काफ़ी बार शिव तांडवम भी मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को, पेरनी नहीं दिखेगा। इसके अलावा मयूरी, तो ये कुछ डांसेज है, फोक डांस जो कि फेमस है तेलंगाना के अंदर और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है तेलंगाना के अंदर, कौन कौन से हैं, एक आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व और एक आपका कवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ नेशनल पार्क हैं, एक आपका मुरुगवनी नेशनल पार्क, देन आपका कसु ब्रह्मनंदा रेड्डी, इसको हम KBR नेशनल पार्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, KBR शॉर्ट में, ध्यान रखें KBR माने कसु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। इसके अलावा देखिए महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी आपको कहाँ मिलेगा, तेलंगाना के अंदर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, दो टाइगर रिजर्व हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा देखिए डैम्स बहुत सारे तेलंगाना के, तो आप खुद देख लीजिएगा एक बार, बाकी अगर आप कहेंगे तो हम स्टेट वाइज डैम्स को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली ऑन 11 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे वॉज ऑब्जर्व, वॉट वॉज इट्स थीम। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई जो 11 सितंबर अभी निकला है ना, इसे हमने वर्ल्ड फर्स्ट एड डे को ऑब्जर्व किया, यानी हमने ये बनाया, ठीक है। तो इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था इस साल। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। तो इस बार का थीम क्या था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मोरक्को, यानी मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अभी नियुक्त किया गया, फिर चुना गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा अजीज़ अखनाउच, क्या नाम है, अजीज़ अखनाउच, ठीक है, इनका नाम है, ये आपके अजीज़ अखनाउच, और इनको अभी मोरक्को का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और देखिए मोरक्को की आपकी कैपिटल क्या है, दिरहम, ठीक है, जो कि आपकी UAE की भी है, ठीक है। तो मोरक्कन दिरहम चलता है आपका मोरक्को के अंदर, और इसका रबत यहाँ की क्या है, कैपिटल है, क्या है रबत, क्या है कैपिटल है मोरक्को की, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे रबत इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। ओके चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए DG कौन बनाए गए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह को बनाया गया आपका, ये है आपके पंकज सिंह, और इन्हें अभी भी बनाया गया आपका DG ऑफ BSF, ठीक है। और देखिए BSF का काफ़ी आपका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया, तो 1965 के अंदर आपका BSF को इस्टेब्लिश किया गया था,
और न्यू दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका न्यू दिल्ली में। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, इतनी बेसिक बातें। बाकी इसके अलावा देखिए जितनी भी आपकी ये फोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो CISF हो, असम राइफल्स हो, ITBP हो, या फिर सशस्त्र सीमा बल है SSB, इन सभी की आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर पता ही होना चाहिए, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनसे सवाल। ओके, चलिए बाकी चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात, यानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, क्या है ऑप्शन बी, ये आपके भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, इनको अभी भी चुना गया गुजरात का नया CM। आपको पता ही होगा विजय रूपाणी ने थोड़े दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया था, तो उन्हीं के बाद अब इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, नाम है इनका भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। अब देखिए गुजरात आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, गुजरात से बहुत सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स लिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे गुजरात में आपको पता होगा लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है, ठीक है, तो लार्जेस्ट मैं लिखवा देता हूँ हर एक चीज़, एक सेकेंड, मल्टी पर लिख देता हूँ, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ही लॉजिस्टिक पार्क है जहाँ पे मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए हाईवे के लाइक एयर व्हीकल स्ट्रिप होगी, यहाँ पे आसपास क्या कहते हैं आपका पोर्ट भी होगा, यहाँ के आसपास आपकी रेलवेज भी होगी, तो आपका लार्जेस्ट है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। इसके अलावा देखिए मोतेरा स्टेडियम इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम है, मोतेरा स्टेडियम, ठीक है, ये भी आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है, और मोतेरा स्टेडियम का अब नया नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम NM लिख दिया मैंने शॉर्ट में स्टेडियम, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए एक क्या कहते हैं सरदार धाम भवन, मैंने आपको थोड़े दिन मतलब शायद परसों ही कवर कराया था सरदार धाम भवन, ठीक है, सरदार धाम भवन ये भी आपका अभी अभी इनॉग्रेट किया गया है गुजरात के अंदर, ठीक है, और ये तीनों ही कहाँ पर है, तीनों ही आपके अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे तीनों ही कहाँ पर है अहमदाबाद में। इसके अलावा देखिए गुजरात के अंदर एक स्कीम शुरू करी गई थी अभी किसान सनराइज स्कीम, क्या नाम है, किसान सनराइज स्कीम, ओके, ये एक स्कीम शुरू करी गई थी। इसके अलावा देखिए एक सुजलाम सुफलाम इरीगेशन करके स्कीम थी, वो भी गुजरात की थी। इसके अलावा देखिए आपका जो लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर है, ठीक है, लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर ये भी आपका गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है, आप देखिए सारे फैक्ट्स आप लिख लीजिए एक जगह पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो हमारी फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी बन रही है, देखिए मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, लिथियम रिफाइनरी, क्या नाम है, लिथियम रिफाइनरी, तो ये फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ये हमारी गुजरात के अंदर बन रही है, ठीक है। तो देखिए इतने सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए गुजरात से। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स हैं लाइक नेशनल पार्क वगैरह, तो आप देख ही लेंगे, मैंने आपको पहले भी कवर करा रखे हैं। हाँ, इसके अलावा देखिए एक सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल ये गुजरात में आपसे पहले भी पूछा गया है, और एक है आपका नागेश्वरा टेम्पल, ठीक है, नागेश्वर टेम्पल ये भी आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं गुजरात के। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेंपल्स हैं, बट ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ और नागेश्वर टेंपल दोनों कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात के अंदर है, लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर हमारा गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपको गुजरात के अंदर है, मोतेरा स्टेडियम गुजरात के अंदर है, किसान सनराइज स्कीम यहाँ की है, और बाकी स्टैटिक मैंने आपको पहले कर कराई रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज दी चेयरमैन ऑफ द असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, यानी आपसे ये कह रहा है ये जो आपकी एशियन ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, इसके नए चेयरमैन के रूप में किसे अभी अभी अपॉइंट किया गया है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, GC मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को आपका अभी अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ओके। इसके अलावा देखिए जो हमारे GC मुर्मू हैं ये आपके 14th क्या है, यानी 14th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फॉर्मर LG हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के पहले क्या रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिम लैंजॉन हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ विच कंपनी, यानी ये जो जिम लैंजॉन है इनको इनमें से किस कंपनी का अभी भी नया CEO बनाया गया है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी याहू, यानी याहू कंपनी के बनाए गए जिम लैंजॉन अभी अभी CEO, अमेजॉन के ND जैसे मैंने आपको बताया दिया है पहले भी पता कवर कराया है, और इसके अलावा गूगल के आपके हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ठीक है, और बाकी यही फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए CEO से, तो एटलीस्ट इतना पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द US ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल, यानी 2021 का जो US वुमेन्स अभी आपका टेनिस चैंपियनशिप हुई है इसका खिताब किसने जीता वुमेन्स में आपको बताना है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी Emma Raducanu, ठीक है, Emma Raducanu ने आपका जीता है ये वुमेन सिंगल्स का टाइटल, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेंस में किसने जीता, मेंस में जीता आपका, आप ज़रा गैस करिए, अगर आप लोग नोवाक जोकोविक गैस करें तो बिल्कुल गलत गैस करें, ठीक है, नोवाक जोकोविक हार गए हैं और जीते हैं ये डैनियल मेडवेडेव, कौन, डैनियल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डैनियल मेडवेडेव,
ये जीते हैं आपके मेन सिंगल का टाइटल। इसके अलावा देखिए बाकी जितने भी टूर्नामेंट्स हैं इस साल, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, चाहे वो विंबलडन हो, या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जो कि साल की शुरुआत में था, वो सब जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन हो गया आपका, और इसके अलावा फ्रेंच ओपन, ये तीनों जीते थे नोवाक जोकोविच ने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जोकोविच, ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस बार का जो US ओपन का मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है डैनियल मेडवेडेव ने, और एमा रेडुकैनो ने जीता है आपका वुमेन सिंगल्स का टाइटल। ठीक है, क्या नाम है? एमा रेड्यूकैनो। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच इंडियन ऑरिजन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी इनमें से किस भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सो वेल, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमंत धानजी। ठीक है, हेमंत धानजी को आपका अभी अभी अपॉइंट किया गया ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज, और ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर भी फोर्थ एडिशन किया था ऑसी इंडेक्स का। ठीक है, फोर्थ एडिशन किया है किसका? ऑसी इंडेक्स। ये एक नेवल एक्सरसाइज, मैं आपको बता दूं ऑसी इंडेक्स। ओके, ये एक नेवल एक्सरसाइज। अब देखिए मैंने आपको करंट अफेयर इसलिए कवर नहीं कराई है क्योंकि इसके नाम से चले पता ऑसी यानी ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया आई मतलब OUS से ऑस्ट्रेलिया, और IND से क्या हो गया इंडिया। ठीक है, तो आपको मैंने इसलिए कवर नहीं कराया, नाम से चल रहा पता कि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। इसके अलावा देखिए एक आपको होती है ऑस्ट्रा हिंद। क्या है? ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद, ये आपकी आर्मी की एक्सरसाइज। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो होती है आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज होती है। पिच ब्लैक, क्या नाम है? पिच ब्लैक, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इसको ऑर्गेनाइज करता है, मल्टी लेटरल आपकी एयर कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें इंडिया ही पार्टिसिपेट करता है और भी दो तीन देश पार्टिसिपेट करते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, मतलब जिनको ऑस्ट्रेलिया बुलाता है। इसके अलावा देखिए आपको बताओ एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज, तो आपको पता होगा हमारा एक्सरसाइज में चारों जो हमारे क्वाड कंट्रीज हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और USA। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ना अभी अभी कौन कौन, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलेंट इनिशिएटिव को भी शुरू किया। ठीक है, और ये आपका NTPC के एग्जाम में पूछा भी गया। क्या नाम है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, तो ये जो इनिशिएटिव है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये शुरू किया था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, और ये आपके क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम के अंदर। NTPC में पूछा गया कि बताओ ऑस्ट्रेलिया ने किन कंट्रीज़ के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को शुरू किया। ठीक है, तो इंडिया और जापान के साथ मिलकर शुरू किया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो देखिए लास्ट सेशन में आपका क्वेश्चन फॉर यू था, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर डिस्क्राइबिंग ब्लड ग्रुप्स, यानी ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ना आपके AB या फिर O, तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से किस व्यक्ति को आपका नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सो वेल, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, सो कार्ल लैंडस्टीनर ने स्टीनर को आपका नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं उम्मीद करूँ आप इसको आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो आज का क्वेश्चन फॉर यू आपका थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं बैक साइड, यानी जो पीछे का तरफ होता है, मतलब पिछला हिस्सा जो होता है आपका थायरॉयड ग्लैंड का उसमें। ठीक है, यहाँ पर ये आपके ऑप्शन 1, 2, 3, 4, और ये जो क्वेश्चन था आपका SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पिक किया इस क्वेश्चन को आपके लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको अटैम्प्ट करेंगे और इसका जो आंसर होगा उसको लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।